नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से। दिव्यांग छात्रावास में कार्यक्रम, नव वर्ष प्रथम सप्ताह में जिला पंचायत की अध्यक्षता ज्ञानवती सिंह दिव्यांग छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर जन्मदिवस का कार्यक्रम में उन नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बच्चों के बीच केक काटकर खुशियां बांटी गई। साथ ही दिव्यांग बच्चों ने संगीत और गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। यह है उमरिया जिले का CWSN छात्रावास, जहां पर जिला पंचायत की अध्यक्ष ने नव वर्ष के आगाज पर बच्चों को शुभकामनाएं दी, हर यथा संभव सहायता प्रदान करने की बात कही और साथ इन दिव्यांग बच्चों को उपहार स्वरूप गर्म कपड़े, जूते तथा मिठाइयां, चॉकलेट्स तथा बिस्किट वितरण कर बच्चों से सीधे रूबरू हुई। इस पर छात्र एवं छात्राओं में बेहद उत्साह नजर आया। साथ ही उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए उमरिया से दिवाकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। CWSN छात्रावास में आके मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी रख रखाव और जिस हिसाब से बच्चों की लगन जो मुझे देखने को मिली, बहुत ही अच्छा लगी। और यहाँ के जो वार्डन हैं, जो कर्मचारी हैं, माँ पिताजी जैसे ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पालन पोषण कर रहे हैं और उनको शिक्षा दीक्षा कर रही हैं। मैं इनकी भविष्य की उज्ज्वल कामना करती हूँ कि आगे बढ़ें और तरक्की करें। Oh, 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 oh